थायरॉयडाइटिस। थायरॉयडाइटिस एक काफ़ी कॉमन गले की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी बार मिस हो जाती है। थायरॉयडाइटिस के सिम्टम क्या हैं? बुखार आना, गले में दर्द होना, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होना, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर थायरॉयड हार्मोन, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको ट्रेमर्स होना, पैल्पिटेशन होना, ज़्यादा गर्मी लगना, वेट लॉस होना, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आपको कमज़ोरी महसूस होना, ज़्यादा ठंड लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। थायरॉयडाइटिस ज़्यादातर पोस्ट इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं और काफ़ी डिफरेंट किस्म के होते हैं। कॉमन थायरॉयडाइटिस के सिंड्रोम्स हैं ग्रेव्स डिजीज़, जो थायरोटॉक्सिकोसिस की होती है, और दूसरा है सब अक्यूट थायरॉयडाइटिस, ऑल्सो कॉल्ड डी क्वेरवंस डिजीज़। अगर आपको परसिस्टेंट गले में दर्द है, सॉलो करने में डिफ़िकल्टी है, फीवरिशनेस है, बॉडी एक है, और इस तरह के सिम्टम्स हैं, और अगर आपका कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा, तो आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिलें और वो ज़रूर आपको टेस्ट करके देखेंगे कि आपको थायरॉयडाइटिस है कि नहीं। थायरॉयडाइटिस के लिए कॉमनली परफॉर्म टेस्ट्स आर थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, कभी कभी हम थायरॉयड एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं थायरॉयड ग्लैंड का क्या स्टेटस है। अगर ज़रूरत पड़े तो रेडियो एक्टिव आयोडीन या टेक्नीशियम स्कैन करके थायरॉयड ग्लैंड का स्टेटस चेक करते हैं। ज़्यादातर थायरॉयडाइटिस सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ और कभी कभी स्टेरॉयड की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दिस डिजीज़ रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, क्योंकि कभी कभी इसमें थायरॉयड के लेवल बढ़ सकते हैं, कभी कभी घट सकते हैं, और ज़्यादातर एंड स्टेज डिजीज़ में थायरॉयड के लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि आपका थायरॉयडाइटिस किस स्टेज तक पहुँचेगा और कहाँ पर यह ख़त्म होगा। तो अगर आपको इस तरह के गले और गर्दन के सिम्टम हैं, प्लीज़ कंसल्ट विद योर ENT स्पेशलिस्ट, यू कुड बी हैविंग थायरॉयडाइटिस।